महिंद्रा अपने कार्स के दम पर पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसी प्रसिद्धता को बरकरार रखने के लिए महिंद्रा अपनी सबसे सफल कार स्कॉर्पियो को फेसेट वर्जन मार्केट में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महिंद्रा स्कॉर्पियो के फेसेट वर्जन में क्या क्या खास है आज हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल ऑटोमोबाइल जो है सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। बात करें कार के फ्रंट लुक के बारे में तो इस कार की फ्रंट लुक आपको अल्ट्रा G4 से मैच होती हुई जरूर दिखाई देगी और इस कार में अब आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। कार की साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया जाएगा और इस कार में अब आपको इंडिकेटर्स वाले ORVM भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। कार की बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इस कार की बैक प्रोफाइल भी आपको बहुत ज़रा प्रीमियम दिखाई देगी। कार के इंटीरियर के बारे में बात करें तो इस कार में आपको ब्लैक और बेज कलर के इंटीरियर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही इस कार में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील भी प्रोवाइड कराया जाएगा और इस कार में आपको 2000cc का पेट्रोल इंजन भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो 140 BHP की पावर जनरेट करेगा और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा और ये इंजन आपको कहीं ना कहीं 16 से 17 का माइलेज बड़े आराम से दे देगा। कार के फीचर्स के बारे में बात करें तो इस कार में आपको 7 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट रिमाइंडर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और इंजन इमोबिलाइजर जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। कार की लॉन्च डेट और कार के प्राइस के बारे में बात करें तो इस कार को जुलाई 2020 तक लॉन्च किया जा सकता है और इस कार के बेसिक वेरिएंट का ईएक्सशन प्राइस 12,25,000 रुपए हो सकता है और टॉप मॉडल का ईएक्सशन प्राइस 16,55,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, क्या आप स्कॉर्पियो का फेसेट वर्जन खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।